अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं और अक्सर रेस्टोरेंट जाते रहते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर खाने के बिल के साथ एक सर्विस चार्ज जुड़ा होता है। शायद आपको ना मालूम हो कि ये सर्विस टैक्स नाम का चार्ज आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं ले सकता है, लेकिन आज भी बहुत से रेस्टोरेंट और भोजनालय ये सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर इनसे जुड़ा कोई भी संगठन आपसे सर्विस चार्ज नहीं ले सकेगा, यानी अब आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये बदलाव हुआ कैसे? दरअसल उपभोक्ता मामले के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जबरन सर्विस चार्ज वसूल ले जाने के खिलाफ 23 मई को रेस्टोरेंट को आगाह कर दिया है। रेस्टोरेंट और भोजनालयों को याद दिलाया गया है कि सर्विस चार्ज देने ना देना कंज्यूमर की इच्छा पर निर्भर करता है। इस मुद्दे पर और सख्ती से कदम उठाने के लिए विभाग ने 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स और इनसे जुड़े संगठन शामिल किए जाएंगे। साथ ही इस बैठक में जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी, जेप्टो और ओला उबर जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है। लेकिन ये मुद्दा उठा कैसे, चलिए अब आपको ये भी बता दें। दरअसल कस्टमर हेल्पलाइन पर सर्विस चार्ज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत थी कि ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज के नाम पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं कहीं तो टिप भी अलग से ली जाती है, जबकि ग्राहक की मर्जी के बिना सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा वसूलना गैरकानूनी है। आपको बता दें, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि खाने पीने के बिल में लेवी या फिर सर्विस चार्ज वैध नहीं है। ग्राहक जब परिवार के साथ खाना खाने गए हैं और वे सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वालों पर अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। समस्या ये है कि कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से ये सोचकर टिप दे देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा। कई जगह होटल और रेस्तरां में ये भी लिखा होता है कि अगर कंज्यूमर अनिवार्य तौर पर सर्विस चार्ज देने के लिए सहमत ना हो तो अंदर ना आए, जबकि इस तरह का कोई भी चार्ज केवल रेस्तरां वालों की जेब में जाता है, ना कि टैक्स के रूप में सरकार की जेब में। आपको जागरूक करने के लिए बता दें, खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें खाने की कीमत के साथ साथ सर्विस जुड़ी होती है, लेकिन अगर आपसे सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से पैसे मांगे जाएं तो आप अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस में कंज्यूमर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप मेन्यू देखते हैं तो उसमें खाने के आइटम की कीमत और टैक्स लिखी होती है और उस कीमत को देखकर ही आप ऑर्डर करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब बिल हाथ में आता है तो ध्यान जरूर दें कि बिल में खाने की कीमत और जरूरी टैक्स के अलावा कोई और कीमत ना जोड़ी गई हो। अगर ऐसा है तो उसका भुगतान करने से पहले जोड़ी गई कीमत के बारे में रेस्तरां वालों से जानकारी जरूर ले लें। वही रेस्तरां वाले ध्यान दें, ग्राहक की सहमति के बिना लिए जाने वाला कोई भी चार्ज अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस है। टिप देना कंज्यूमर के अधिकार में है, ऐसे में बिल में साफ लिखा होना चाहिए कि सर्विस चार्ज उपभोक्ता की मर्जी पर है और सर्विस चार्ज का कॉलम खाली रखा जा सकता है ताकि कंज्यूमर उसमें खुद पेमेंट से पहले अमाउंट भर ले।